गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अच्छे बच्चे। तो बच्चों देखो, अच्छे बच्चे कौन से बच्चे कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पिक्चर देखिए, यहाँ दो बच्चे हैं, दोनों बहुत खुश होकर स्कूल जा रहे हैं, दोनों मिलजुल कर स्कूल जा रहे हैं एक साथ। दूसरे पिक्चर में देखिए, ये दोनों बच्चे जो हैं एक साथ मिलजुल कर पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कुछ ड्राइंग या कुछ भी बना रहे हैं। तीसरे पिक्चर में देखिए, मम्मी पापा के हाथ में फुटबॉल है और कुछ खिलौने हैं, और ये दोनों को मम्मी पापा कुछ समझा रहे हैं और ये बड़े ध्यान से मम्मी पापा की बातों को सुन रहे हैं। चौथे पिक्चर में देखिए क्या है, दोनों बच्चे जो है खिलौने को साइड में रख दिए हैं, क्योंकि ये खेलने का समय नहीं, ये पढ़ने का समय है, पढ़ाई करने के बाद वो फिर खेलेंगे, तो इसलिए वे दोनों पढ़कर पढ़ रहे हैं और उसके बाद वो खेलेंगे, है ना। और लास्ट पिक्चर में भी देखिए, दोनों बड़े खुश होकर स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो अच्छे बच्चे वे होते हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, है ना, घर पे। जैसे आप भी हो, आपके छोटे या बड़े भाई बहन जो भी हैं, उनके साथ आपको मिलजुल कर रहना है और मम्मी पापा की बातों को सुनना है, रोज़ स्कूल जाना है, मिल कर के आपको खेल भी खेलना है, कभी भी अपने भाई बहन से लड़ाई नहीं करनी है। इस ये भी है कि आप अपने स्कूल भी जब आइए तो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी आप लड़ाई झगड़ा मत करिए। इसीलिए लेसन का नाम है अच्छे बच्चे, ठीक है। देखिए कविता है, सोनू मोनू हैं दो भाई, ये ना करते कभी लड़ाई, पापा जो भी चीज़ें लाते दोनों मिलजुल कर हैं खाते, पापा मम्मी जो समझाते उन बातों को ये अपनाते, बात न कोई कभी छिपाते, सब कुछ एकदम सच बतलाते, रोजाना विद्यालय जाते, पढ़ने से ना ये कतराते, प्यार सभी का पाते हैं ये, सबके मन को भाते हैं ये, जब इन जैसा बन जाओगे अच्छे बच्चे कहलाओगे। इस कविता को लिखा है डॉक्टर विनोद प्रसून जी ने। तो बच्चों देख लिया आपने कि अच्छे बच्चे कौन हैं, ये जो है दो भाई हैं जो कि पिक्चर में दे रहा है, और एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है, दोनों भाई कभी लड़ाई नहीं करते हैं और उनके पिताजी पापा जो भी सामान लाते हैं दोनों मिलजुल कर खाते हैं, खाने की जो भी चीज़ें लाते हैं दोनों मिलजुल कर खाते हैं, ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा ज़्यादा है मेरा कम है, तुम्हारा बड़ा है मेरा छोटा है, ऐसा नहीं कहते हैं। और पापा मम्मी जो भी बातें समझाते हैं वो बड़े ध्यान से सुनते हैं और उन बातों को अपने जीवन में लाते हैं, और मम्मी पापा से भी कोई भी बात को नहीं छिपाते हैं। इसलिए बच्चों आप भी अपने मम्मी पापा से कोई भी बात मत छिपाना और जो भी बातें हैं उसे बिल्कुल सच सच बताना। ये दोनों बच्चे जो हैं रोज़ स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, पढ़ाई रोज़ करते हैं, कभी भी पढ़ने से ये अपने मन को भटकाते नहीं हैं, है ना। इसीलिए इन दोनों बच्चों को सभी प्यार करते हैं और इन दोनों बच्चों को सभी लोग बहुत अच्छा कहते हैं। जब आप भी इन जैसा बन जाओगे तो आप भी अच्छे बच्चे कहलाओगे, ठीक है। तो आप जो है इस कविता को रीड कीजिए।